हेलो एवरीवन। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं कुछ मीठे से। आज आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल चूरमा लड्डू की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू होते हैं ये, बहुत ही हेल्दी लड्डू होते हैं। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल में 1 कप के करीब आटा ले लिया है। 6 to 7 स्पून मैंने यहाँ पे देसी घी ऐड किया है। फिर हम इसे स्लोली स्लोली इस तरह से मिक्स करेंगे और जब ये इस तरह से बनने लगे तो समझिए तैयार हो गया। अब इसमें हम लुकवार्म वाटर ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और इस तरह से मिक्स करते हुए हम एक डो तैयार कर लेंगे। इसकी डो जो रहेगी थोड़ी सी हार्ड रहेगी। इस तरह से आपने डो तैयार करना है। फिर इसके छोटे छोटे बाइट लेके हम इसे कोई भी शेप दे देंगे। देखिए मैंने इसको इस तरह से शेप दिया है। फिर हम इसे सारा तैयार कर लेंगे। फिर हम इसे डीप फ्राई करने के लिए कढ़ाई गर्म कर लिया है। यहाँ पे मैंने घी ऐड कर लिया है। घी गर्म हो गया, हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से आप एक एक करके अपना इसको डीप फ्राई कर लीजिए। फिर हम इसे छोटे छोटे तोड़ लेंगे जब ये ठंडा हो जाए। फिर हम इसे ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। ब्लेंडर में हम इसे ब्लेंड कर देंगे स्मूथ पाउडर के फॉर्म में। फिर देखिए इस तरह से ये ब्लेंड हो गया। अब इसे निकाल लेंगे। फिर हमने एक पैन लिया है। इस पैन को हमने गर्म कर लिया। इसमें मैंने थोड़ा घी ऐड किया है। यहाँ पे आप जो नट्स होते हैं आपके ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लीजिए, अपने चॉइस ऑफ ड्राई फ्रूट्स। इस तरह से इसे अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, फिर निकाल लीजिए। फिर उसी पैन में मैंने थोड़ा सा और घी ऐड किया, उसमें जैगरी लिया है, जैगरी पाउडर, उसे ऐड कर दीजिए। 1 कप आटे में मैंने आधा कप जैगरी लिया है। आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। इस तरह से इसको हमें मेल्ट करना है। एक बार ये मेल्ट हो जाए फिर इस तरह से फिर हम इसको जो पाउडर अपना चूरमा है उसे हम ऐड करेंगे। फिर इसमें हमने इलायची पाउडर थोड़ा सा मिक्स किया है। फिर हम इसमें अपने जो रोस्टेड ड्राई नट्स हैं उसे ऐड करेंगे। फिर हम अपने धीरे धीरे करके अपना जो जैगरी वाटर है इसे हम ऐड करेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए फिर हाथों से आप इसे मिक्स कर लीजिए और इस तरह से आप लड्डू बना लीजिए। बस फिर लड्डू एक बार बन जाए तो इसे हम गार्निश कर देंगे। पॉपी सीड या खसखस जिसे बोलते हैं उसे बस ऐसे गार्निश कर दीजिए। तो देखिए आपकी ट्रेडिशनल चूरमा लड्डू बन के तैयार हो गई है। रेसिपी जरूर ट्राई करें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।